नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका भाई आ गया एक नई वीडियो के साथ में आप लोग के बीच में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस चैनल पे आप लोग को ड्राइंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आप लोग को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग टिक करके चैनल पर देखते हैं तो इसके मतलब कि आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही एक भाई ने कमेंट किया है कि भैया आप मार्किंग का वीडियो अभी रोक करके आप ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ड्राइंग हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग कारीगर हैं जो काम करना हमें आता है, लेकिन हम फिलहाल ड्राइंग देख नहीं पाते हैं। तो आप हमें ड्राइंग का वीडियो दीजिए, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं। तो उसी के देखते हुए मैं लगातार ड्राइंग की वीडियो पर ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के बीच में ड्राइंग के वीडियो और आप लोग को ड्राइंग मास्टर बना दूँ। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं और चैनल को से आप अपना समय दे रहे हैं तो कुछ यहाँ से सीख करके जाएं, ये हमारी पूरी कोशिश है। और मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम इंद्रपाल यादव है और आप देख रहे हैं यादव जी पीओपी कॉन्ट्रैक्टर चैनल को। और ज़्यादा ना लेट लपेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा कि वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और बाकी आप लोग अपना ऐसे ही जैसे प्यार दुलार आप लोग लुटा रहे हैं चैनल पर, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी आप जैसे हमारे भैया लोग हैं हमारे चैनल को अभी जो देख रहे हैं, वो अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोग का मेहनत का फल है कि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। ये हमें थोड़ा ऊर्जा देता है, और जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो वो हमें लगता है कि जो हम आप लोग के बीच में छोड़ रहे हैं वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है, आप लोग के समझ में आ रहा है। तो और बाकी अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट में जो लिखते हैं उस हिसाब से हम चलने की और करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग कमेंट लगातार जो भी वीडियो भाई देखें वो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हम उनके हिसाब से उस रास्ते पर चल के इस चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में वैसी चीज़ें लाता रहूँ। तो आइए ना ज़्यादा लेट लपेट करते हुए ड्राइंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो ड्राइंग है वो एक रूम है जो स्क्रीन पर चल रहा, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। एक रूम है जिसमें सेंटर में एक अंडे का प्रकार बनाया हुआ है, और दो तरफ इसका जो भी है ग्रिल का साइज करके बिल्कुल प्लेन एरिया है, लेकिन उसका अंडे का प्रकार बनाया हुआ, जो कि मैं अंडे की मार्किंग आप लोग के बीच में पहले से ही समझा रखा हूँ कि आप अंडे की मार्किंग किस प्रकार करें। अगर आपको नहीं पता है, आप नहीं देखे हैं, तो ये अंडे के ऊपर ही वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, तो आप अंडे की मार्किंग आप देख लीजिएगा किस प्रकार से किया जाता है, उस प्रकार से आप अंडे की मार्किंग कर लीजिएगा। बाकी आपको लेवल किस हिसाब से निकाला जाता है वो मैं आप लोग को अच्छी तरीके से इसमें समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लगातार वॉच करते रहें, ताकि आप लोग को तभी समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोग के से बहुत कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे एक ड्राइंग रूम है, इसमें है क्या, इसमें कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं है, इसमें मेन जो डिजाइनिंग है वो अंडे का प्रकार है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर में अंडे का प्रकार बना हुआ है जो पूरा रूम के इक्वल सेंटर में है। ठीक है, ये इक्वल सेंटर में है, इस वाल से इस वाल का ये आपको दिख रहा होगा, 5 फीट 9 इंची इधर से छोड़ के, 5 फीट 9 इंची इधर से छोड़ करके, और 1 फीट का जो ये आपका जो शायद दिख रहा है, ये 1 फीट का ये अंडे का आपका प्रकार है। ठीक है, ये आपको साइज पूरा दिख रहा होगा, और इधर से जो ये आप लंबी चीज़ें देख रहे हो, ये इसमें ग्रिल है, ये आपका एसी, देखिए ये एसी जा रहा है। ये हमारी ही ड्राइंग है, हम इसको साइड पे काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को उसी प्रकार से समझा रहा हूँ। ये देखिए एक एसी इस रूम से, देखिए एसी, ये डक्ट आपका बना हुआ है, ये डक्ट है जिसमें थ्रू एसी जो फॉल सीलिंग के ऐसे नीचे मतलब थ्रू किया जाता है, वो थ्रू एसी नीचे वाली है। ठीक है, तो इधर भी है और इधर भी, ये देखिए यहाँ ये डक्ट जो है, ये देखिए यहाँ से भी निकल रही है, और ये इसकी एसी ये है। ठीक है, ये एसी की लंबी ग्रिल लगेगी जो कि इसमें साइज दिया हुआ है, ये देखिए 2 फीट 6 इंची छोड़ के 4 इंची का बनाना है, और यहाँ से 2 फीट 6 इंची छोड़ के 4 इंची का बनाना है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं, बाकी साइज यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फीट 8 इंची छोड़ करके,
और यहाँ से 3.5 फीट छोड़ करके ये पूरी लंबी लेंथ जो भी है बचेगा वो बना देना है। चलिए ये तो आप लोग के समझ में आया होगा, तो एसी का कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। बाकी आइए हम इसमें आते हैं अंडे में, तो अंडे की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप अंडे की मार्किंग देख लीजिएगा किस प्रकार से करना है। बाकी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये वाल है, ठीक है, ये वाल है और इधर की ये वाल है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि आपको यहाँ से 5 फीट 9 इंची जो भी ये लिखा हुआ है अंडे का प्रकार, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से यहाँ के एक सेंटर रूम मारेंगे लाइनिंग, ठीक है, और यहाँ से इस वाल का एक सेंटर ये मारेंगे, ठीक है। सेंटर के मारने के बाद में आपको यहाँ एक जो भी साइज निकल जाएगा, ठीक है, उस वाले से आप इसके अंडे की मार्किंग कीजिएगा, जो मैं आप लोग को वीडियो में समझा रखा हूँ आप देख लीजिएगा। बाकी साइज ये देखिए यहाँ से ये 5 फीट 9 इंची और यहाँ से ये 5 फीट 9 इंची छोड़ करके, और ये आपका जो है 1 फीट का, ये आप देख रहे हैं ना, ये 1 फीट का इसमें ये 1 फीट का है, क्या मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें देखिए 1 फीट छोड़ने के बाद ये कोप की धारे तो ये आपकी है, ये 1 फीट छोड़ने के बाद ये 0.5 इंची का इसमें ग्रुप बनाया हुआ, भी अंडे का प्रकार का, जिस प्रकार से अंडा आपका बनेगा ये ग्रुप बनाया हुआ, ठीक है। बाकी कोप आपकी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, जो 5 फीट 9 इंची का, और यहाँ से ये देखिए 7.5 फीट यहाँ, 7 फीट 5 इंची सॉरी, यहाँ से भी 7 फीट 5 इंची करके, और यहाँ का जो भी है मार्क अंडे का प्रकार निकल जाएगा। इसके बाद जो अंडे की साइज यहाँ पर बनेगी उससे 1 फीट छोड़ करके अंडे के अंदर में एक चारों तरफ का एक 0.5 इंची का ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बाकी आइए अब लेबल पे आते हैं। लेबल इसमें देखिए जैसे 34 इंची है, तो इसमें किया क्या गया है कि ये जो डक्ट गया हुआ है, इस डक्ट के नीचे हम छत से नाप लिए हैं कितना है, अगर हमारा 34 पे अगर आ जाता है तो भी ठीक है, उसमें देखना आपको यह है कि आपको 2.5 इंची कम से कम लाइट की मार्किंग, 2 से 2.5 इंची लाइट की मार्किंग के लिए और लाइट की स्पेस के लिए आपको जगह बना करके ही चलना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा 34 के बदले 35-36 जैसा भी हो जाए, वैसा हमारा बात हुआ था, उस हिसाब से मैं इसका पूरा लेबल ये निकाल दिए हैं। फिर इसके बाद में ये आपका दिया हुआ है 19 इंची डाउन, तो अब ये देखना है आपको कि 34 ये हो गया 19 ये हो गया, तो 34 में 19 अगर आप कम कर देते हैं तो कितना बचा, ये आप इसको एक बार देखिए, ये आपका लिखा हुआ POP सीलिंग 19 इंची और ये आपका दिया हुआ है 34 इंची, तो इसको आप इसमें माइनस कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 20 और 14 मतलब यानी 15 1 फीट 3 इंची, इस वाले से 1 फीट 3 इंची ये आपका अंदर रहेगा, ठीक है, ये 1 फीट 3 इंची ये अंदर रहेगा, जो भी टक है ये 15 इंची का आपका 1 फीट 3 इंची यानी 15 इंची का ये आपका अप डाउन रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी अंडे की मार्किंग आपको दिया हुआ है, उस प्रकार से आप अंडे की मार्किंग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप अगर समझेंगे। बाकी इस ड्राइंग की थोड़ी सी मैं आप लोग को डिटेल दिखा सकता हूँ, ये आप देख लीजिए, जैसे आपको मैंने आप लोग को बताया कि 2 फीट 6 इंची छोड़ने के बाद 4 इंची का ग्रिल, देखिए यहाँ पे 2 फीट 6 छोड़ने के बाद ये 4 इंची का ग्रिल है, ठीक है, और इसके बाद 7 फीट 5 इंची ये देखिए अंडे का ये प्रकार है। अब इसमें जो हमने बताया था आप लोग को, ये देखिए 0.5 इंची का, ये 0.5 इंची का यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, ये 0.5 इंची का ग्रुप है, बाकी आपका ये देखिए 7 फीट 5 इंची पे ये आपका मार्का किया हुआ है, आपका यहाँ पे कोप अंडे के प्रकार का जो कोप है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इधर से भी 7 फीट 5 इंची का दिया अंडे का मार्किंग ख़त्म हो जाएगा। बाकी बैलेंस जो ये बचता है कोई दिक्कत नहीं, आप साइड से मार्का, अगर इसमें बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इसका कोई दिक्कत नहीं होता है, फिलहाल में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से इसकी हाइट जो है इस वाले से 34 वाले से ये 19 आपको करना है, तो ये टोटल 15 इंची का उडन का भी काम दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें उडन वो आपका काम नहीं है, वो अपना उडन वाले करेंगे जो भी है, ठीक है, और बाकी आप को इसी हिसाब से काम करना है जो मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ, और इसी हिसाब से हम इसको काम को आगे कर रहे हैं। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा और यूजफुल लगा होगा और आप लोग को अच्छी तरीके समझ में आएगा।
तो इसी प्रकार का मैं वीडियो आप लोग के बीच जो मैं काम करता हूँ, जो हमारे पास में ड्राइंग आती है, उसको मैं आप लोग को इसी ऐसे ही माध्यम से आप लोग को समझाते चलता हूँ कि मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ। आगे अगर ऐसी ड्राइंग अगर आप लोग के बीच में आए तो किस हिसाब से आपको काम करना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल बनी रहे और मुलाकात लगातार होते रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, सर्वे।